सटे पिंपरीचिंचोड़ शहर में शराब के नशे में दो बदमाशों की गुंडागर्दी की घटना कैमरे में कैद हो गई है। शहर के पिंपरी नीलक परिसर में दो बदमाश शराब के नशे में तेज हथियार लिए वाहनों को जबरन रोककर हथियार दिखाकर डरा धमका रहे हैं। शराब के नशे में एक युवक सड़कों से गुजरते वाहनों को रोक रहा है तो दूसरा शख्स तेज हथियार लिए तोड़फोड़ करता नजर आ रहा है। किसी ने ये दहशत फैलाते गुंडों की गुंडागर्दी को कैमरे में कैद किया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो रविवार का है। सांगवी पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। बीच सड़क पर गुंडों की इतनी दहशत होने के बावजूद पुलिस प्रशासन अपराध पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही, ये सवाल खड़ा हो रहा है। दोनों बदमाशों ने 10 वाहनों पर तेज हथियार से वार किए। इस मामले में सांगवी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। प्रतीक संतोष खराब और चेतन जावरे ऐसे दोनों आरोपियों के नाम हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कई लोग घायल होने से बचे हैं और कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ है। इस घटना से शहर के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीच सड़क पर बदमाशों की गुंडागर्दी देखकर लोग हैरान हैं। ऐसे में आर्यन मैन कहे जाने वाले पिंपरी चिंचोड़ शहर के पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश इन बदमाशों का आतंक याद से मिटाने के लिए क्या कड़ा एक्शन लेते हैं, ये देखना होगा। ये जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये जो वारदात है, ये पिंपरी नीलक गांव की है। उसमें दो आदमी, उसमें से एक आदमी के पास कोयते जैसा हथियार दिखता है और वो दोनों दहशत कर रहे हैं। उसी टाइम उन्होंने एक आदमी को ही मारा था। उसने उनकी कंप्लेंट लेके सांगवी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया है और उनके ऊपर जो वारदात के बारे में जो भी कलम लगते हैं वो सभी कलम लगाए हैं। तो वो जो गुनाह है सांगवी पुलिस स्टेशन का, उसमें अरेस्ट किया है और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 307-34, आर्म एक्ट 425-27 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 37-135 के तहत धाराएं लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, 20 आरएस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।